नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, सीईटी स्नातक स्तर। जी हाँ, सीईटी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट अभी विभाग ने जो थोड़े दिन पहले जारी किया था, उससे संबंधित नई अपडेट आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। सीईटी में जो 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन है, उस पर चयन बोर्ड, जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या नया सुझाव है? आखिर सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से हो, और आगे की जो इससे संबंधित, यदि आप इसमें पात्रता हासिल कर लेते हैं तो आगे आने वाली कौन कौन सी विभाग की कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो भर्तियाँ होगी उसमें किस प्रकार से चयन किया जाएगा, यह अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का आज का नया बयान, जो कि सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन पर जो है चयन बोर्ड, जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अटक चुका है, आखिर इस पर किस प्रकार से आगे की प्रोसेस होगी, यह सभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन पर अटका चयन बोर्ड, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। संपूर्ण जानकारी आपको इसकी दी जाने वाली है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, इसमें कार्मिक विभाग ने मांगा सुझाव, सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन पर अटका चयन बोर्ड। आखिर क्या है ये मामला, जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। देख सकते हैं जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी, जी हां, स्नातक स्तर का परिणाम जारी करते हुए, जो ग्रेजुएट लेवल का परिणाम जारी किया है विभाग ने, उसको जारी करते हुए करीब 8 लाख अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो जारी कर दिया है। जी हाँ, स्कोर कार्ड इसका जारी कर दिया, जैसा कि आपको पता होगा। इनमें से 15 गुना अभ्यर्थियों का मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, जी हाँ, जब इसमें आप पात्रता हासिल कर लेते हैं और उसके बाद में जो मेन एग्जाम्स होगी उसमें मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए चयन करना है, लेकिन 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन कौन से मापदंडों से करें, इस पर चयन बोर्ड अटक गया है। जी हाँ, कौन से मापदंड इसके लिए लागू करें, किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहे, इस के चयन के लिए जो है चयन बोर्ड अटक चुका है। बोर्ड असमंजस में है कि अभ्यर्थियों का चयन कैटेगरी वाइज करें या फिर कट ऑफ या ऑल ओवर किया जाए। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें कि कैटेगरी वाइज उसका चयन होगा या फिर कट ऑफ के हिसाब से या फिर ऑल ओवर किया जाए। बोर्ड ने कार्मिक विभाग से सुझाव मांगा है, इस संबंध में बोर्ड ने क्या है, कार्मिक विभाग से सुझाव मांग लिया है। इस परीक्षा में 11,27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, अब सीईटी में शामिल भर्तियों की अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अलग से जो है विज्ञप्ति जारी होगी अलग अलग विभाग की और अलग अलग पोस्ट के लिए। इस परीक्षा के जरिए अब प्लाटून कमांडर, देख सकते हैं, जिलेदार पटवारी, अधीन सिंचाई सेवा, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक बाल बने रहे हैं, विकास, अधीन सेवा, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती की जाएगी। जी हां, इस विभाग की इन इन पोस्ट पर जो है भर्ती की जाएगी। जब आप इसमें पात्रता हासिल कर लेते हैं तो इन इन भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, और उन्हीं के चयन से संबंधित जो है कार्मिक विभाग से जो है सुझाव मांगा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। और जान लेते हैं इसकी पूरी अपडेट। सीईटी के स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों का जो आवेदन कर सकेंगे, जी हाँ, 15 गुना अभ्यर्थी इसके तहत आवेदन कर सकेंगे, लेकिन 15 गुना अभ्यर्थी किस आधार पर चयनित होंगे, इसका नियम बनने के बाद ही मुख्य भर्तियों में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट और भी बता देते हैं इसके बारे में आपको। जी हाँ, जो चेयरमैन हरिप्रसाद जी शर्मा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा है इससे संबंधित, हमने कार्मिक विभाग से सुझाव मांगा है। जी हाँ, 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन के लिए कौन सा फार्मूला अपनाएं, इसके लिए राय ले रहे हैं। ये आज की न्यू अपडेट है। जी हाँ, सीईटी
स्नातक स्तर रिजल्ट से संबंधित न्यू अपडेट आपको इस वीडियो में बताई गई। दोस्तों इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, यदि आप सीटी ट्वेल्थ लेवल, जी हाँ 10+2 लेवल रिजल्ट से संबंधित जो न्यू अपडेट है उसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो अभी आप आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करके उसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो यही थी इस समय की बड़ी अपडेट है। सीटी में 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से हो, इस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग से सुझाव मांगा है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, इन सभी के अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट आप अपने सुझाव के आधार पर कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई अन्य सुझाव यदि आपको लेना हो तो मिलते हैं आपसे एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगली न्यूज में। तब तक के लिए धन्यवाद।